जीतेगा वो यहाँ पर सैयद हबीब सैयदी नाम। इनको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि ऐसी तकलीफ हो रही है इनका खुद का खेत खोके भी इनको बहुत परेशानी उठाना पड़ रही है, इसलिए ये यहाँ पर मीडिया के ऑफिस तक पहुँच गए। अभी तक इनको तहसीलदार कलेक्टर जहाँ तक भी निवेदन दिया वहाँ तक अभी तक कुछ मिला नहीं, इसलिए यहाँ पर सैयद हबीब सैयद इमाम इनकी हुए यहाँ पर। क्यों आज आपको क्या तकलीफ हुई? मेरे को झाड़ तोड़ रहे वहाँ पे, जहाँ मैं गया तो मेरे को धमकियाँ दिए, जीवा मारने की धमकियाँ दे रहे मेरे को कि तुमने यहाँ पे आना नहीं बोल दी। वहाँ पे आम के झाड़ा तीसरी पीढ़ी से हमारा ताबा है, हमारा ताबा होते हुए उन्होंने पहले आम के झाड़ा भी तोड़ डाले सब, अभी पूरे लीम के झाड़ा, इमली के 10-15 झाड़ा है वहाँ पे, ऐसे पूरे झाड़ा तोड़ते चल रहे हो। इसके पहले मैंने 8-15 दिन हो गए, कमिश्नर कलेक्टर पूरे अभिनय भाग वो सब तहसीलदार इनको सबको मैंने लेटर दिया, फिर भी उन्होंने कुछ आज ऑब्जेक्शन लिए नहीं। तो ये जगह आपकी बाप दादा की हिस्से से चलते आ रही है, तो आप इस जगह पर आज तक जो भी आपने दिया, जो भी तहसीलदार कलेक्टर को आप बोल रहे, कलेक्टर को दिया, तहसीलदार को दिया, तहसीलदार ने आज तक कोई इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया नहीं, जो कि इन्होंने पूरे ठोस पुरावे के साथ यहाँ पर दिया है। अभी तक कोई देखा ही नहीं, आया ही नहीं हो, और उनको अपन समझे लेटर देने गए तो वो उनका वो जवाब भी नहीं दिया अपने को। तो वो आए नहीं, आपने इसके बाद और दूसरी बार उनको कंप्लेंट करी, आप क्यों नहीं आए करके? उन पे कंप्लेन भी है, करे ना दिए ना कंप्लेन भी दिए उनको, फिर भी आने नहीं आए वो। और सैयद दगड़ू सैयद रहीम ये मेरे दादा है, तीसरे पीढ़ी से मैं इसको लड़ते आ रहा, 20 साल हो रहे मेरे को लड़ने को, तो मेरे पे बहुत अन्याय हो रहा। वो जा भी जा रहा वहाँ मेरा चपला घस गया, इधर जा उधर जा, इसको वो ऑफिस को जा, ये ऑफिस को जा, तो दबाव वो अधिकारों पे भी ताकत दबाव डाल के वो उसका काम करते रह रहा। तो आप पे ऊपर दबाव दबाव डालने वाला इंसान कौन? आपकी जो जमीन जो हड़प करना चाहता है वो कौन है? बाबा भांडे, बाबा भांड और किरण देशमुख है, और और जगताप भी है उसमें, जैसा उसका मामा बन जाए 50 50 के आम के झाड़ है, झाड़ थे वहाँ पे, वो भी तोड़ डाले उन्होंने, और अभी तुरंत 25 अभी झाड़ तोड़ना चालू करे उन्होंने, तो मैं गया तो मेरे को धौसा दिया उन्होंने, आपको क्या दोष दी उन्होंने? यहाँ पे खेत में नहीं आना बोले, तेरे टंगड़े तोड़ डालेंगे, जीवा मारने की धमकी दी है मेरे को। ऐसे अगर कोई गरीब पे अन्याय होता हुआ है, आज यहाँ पर सैयद हबीब सैयद इमाम, जो कि इनकी खुद की कुल की जगह, जो कि इनकी बाप दादा की तीसरी पीढ़ी तक ये आ गए हैं, फिर भी इनकी खुद की जमीन पर ये जाना चाहते हैं, फिर भी सामने वाला बाबा भांड जैसा आदमी इनको जी मारने की धमकी देता है।